उमरपुर बांगर की एक लड़की घर से लापता हो गई है। परिजनों ने पहले तो उसको तलाश किया, लेकिन न मिलने पर वह धामपुर थाने पहुंचे और लड़की की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया। जिसके बाद आज दर्जनों की तादाद में गांव की महिलाएं परिवार की महिलाओं के साथ धामपुर थाने जा पहुंची और पुलिस पर हीलाहाली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना था कि पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि उन्होंने लड़के के नाम नामजद तहरीर दे रखी है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है, सही तथ्य सामने आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उठाते ना वहाँ से, भाग कर लेंगे, भाग कर लेंगे, अफेयर हो गए सर, भाग दे दिया ना, कुछ साथ में बात करें, अरे लीना भाई हम लोग करेंगे। ये सभी ग्रामवासी ग्राम उमरपुर बांगर के रहने वाले हैं। कल दिनांक 29 तारीख से ग्राम उमरपुर बांगर की एक बहन हमारी जो है वो लापता है और उसकी मम्मी भी यहाँ उपस्थित हैं और कल से ये लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, जिसके लिए हमने ट्विटर के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज करी और अभी 10:42 पे, जब आज दो दिन हो गए उसके बाद आज मुकदमा लिखा गया और अभी भी ये लोग यहाँ आए हुए हैं। इनकी शिकायत है कि पुलिस ने कोई जो वैधानिक कार्रवाई अभी तक नहीं करी है, ना गांव में जाकर लड़की की तलाश करी है, ना जिस पर नामदर्ज मुकदमा है ना उन्हें अभी तक पकड़ा गया है और लगातार पुलिस इन पर दबाव बनाने का काम कर रही है और इन्हें लगातार टाल रही है। अभी थाना प्रभारी आपसे वार्ता कर रहे थे, क्या आश्वासन दिया? उनका जो आश्वासन था कोई आश्वस्त करने वाला आश्वासन नहीं था, वो एक टाल मटोल वाली बात थी। और जिस तरीके से लोग यहाँ आज आए, ये तब आते हैं लोग जब कानून उनकी मदद नहीं करता। किसी भी परिवार को या गांव को ऐसा कभी अच्छा नहीं लगता कि उनकी बहन बेटी की जब कोई ऐसी बात हो तो उसे सार्वजनिक करा जाए। ये लोग कल से चुपचाप थाने पर आके कई बार अपनी शिकायत दर्ज कराए, जब उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, किसी भी अधिकारी कर्मचारी इनकी सुनवाई नहीं करी, तब आज दर्जनों की संख्या में ये लोग यहाँ आए और आज पुलिस से अपनी बात रखी है कि हमें हमारी लड़की बरामद करके आपको देनी है और उसके बाद केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर थाना प्रभारी ने अपनी बात रखी है कि हाँ हम जल्दी प्रयास करेंगे। आपका अंशु देवी, कहाँ की रहने वाली हो? उमरपुर बांगर। आज थाने का घेराव कर रहे हो, धामपुर थाने का, क्या मामला है? जी हमारी लड़की को जबरदस्ती ले जाया गया, कोई हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा और उनके घर पे गए थे लड़के वालों के, वे भी हमें बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और इनके कल रिपोर्ट भी करवाई तो इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं कर पाए। अब बताइए हम क्या करें, और वे यूँ कह रहे हैं कि तुम्हें भी रखेंगे, तुम्हारी लड़कियों को भी रखेंगे, ये तरीके होते हैं क्या?